क्या मामला है? तो कहाँ जाम लगो रे बानी? लाश मिल गई? पोस्टमार्टम हाउस पे बा? कब जानकारी हुई किसकी आपकी हत्या कर दी गई है? शाम को क्या क्या मामला क्या है? मामला क्या बताओ? आपका पीयूष से क्या संबंध है? हम उसके चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? नागेश्वर गुप्ता नाम है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला अपहरण का है। अपहरण में बताइए, हम चार महीने पहले पाँच सितंबर को मैं कंप्लेन दिया था सीएम एसपी ऑफिस में। गया था रोहित, उस समय एसपी कौन था? रोहित सजवाल थे। क्या कहे? कंप्लेन लेकर गए तो हम कहे तो कह रहे हैं भागो साले, इस तरीके से हो सकता है क्या? एसपी ने गाली दी, एसपी ने हमको बोला डांटा, डांट करके खदेड़ दिया मुझे। फिर से बाहर आया तो उनसे जो रसीद काटते हैं उनसे पूछे कुछ हुआ नहीं, कह रहे हैं आने दीजिए फाइल तब पता चलेगा। तो फाइल आया तो कह रहा है कि ये कोतवाली में ट्रांसफर हुआ है, जाकर के कोतवाली से लीजिएगा। उस समय कोतवाल कौन थे? कोतवाल अब हमको इतना याद नहीं है। कोतवाली में दो दिन बाद कोतवाली में गया तो कह रहा है कि अब कोतवाली में नहीं आया। फिर से एसपी ऑफिस में गया, आया प्रदीप गुप्ता पांच दिन बाद, फिर से एसपी ऑफिस में गया, कह रहा है कि बाबू अब 10-15 दिन और इधर चल जाए। तो हम फिर से रुक गए, उतना देर फिर से रुक करके गए तो हमारे हल्के के दरोगा थे वो उनसे कह रहा है कि हाँ आ गया है, किसी दिन आएंगे घूमते घूमते आकर के देख लेंगे। तो बताइए वो घूमते घूमते देखेंगे, मैसेज आ रहा है धमकी वाला और घूम करके देखेंगे वो। उसके बाद कोई भी नहीं गया, कितना बार हम गए कोई गया नहीं वहाँ पे हमारे घर। आज अचानक मेरा बच्चा किडनैप हो गया, उसके बाद उसको मार भी दिए सब, वो भी हमारे घर के पीछे दफनाया गया है। लाश कहाँ है बच्चे की? अभी आपको लाश नहीं मिली? बच्चे को मेरे मनीष गुप्ता जो है 14 साल का लड़का है, मनीष गुप्ता जो है मेरे चाचा का लड़का है, वो 14 साल का लड़का है। उसको मारते मारते परसों से कुछ नहीं कहा कि हमको मार देंगे, गोली मार दीजिए तब भी नहीं। तो मनीष गुप्ता ने क्या आपको लगता है कि हत्या की है? नहीं किया वो, मनीष गुप्ता ने हत्या नहीं की है। वो कैसे कर दी? हम कैसे कर दी? वो छोटा लड़का कैसे कर दी? तो मनीष गुप्ता को मारते, क्या पुलिस ने गलत खुलासा किया है? आप सुनिए ना, मनीष गुप्ता को मारते मारते नहीं उगला है, नहीं केस आपने ऊपर लिया है। तो कल के साथ कल को उसके पापा को उसकी मम्मी को ला करके उसके सामने मार रहे हैं, कह रहे हैं इसको इनको शूट कर देंगे, नहीं लोगे तो वो केस। तब जाकर के उसका कि हम हमारे पापा को हमारे मम्मी छोड़ रहा, हमका हम के सिया ले लेते, तब वो जैसे कहे वैसे किया है वो। और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए वो कह दिया यहाँ पे दफनाए हैं तो कम से कम हमको भी तो लेकर गए होते हम, लेके बताना चाहते हमारे सामने क्या होता है यहाँ पे उल्टा कहा नहीं गए आप लोग। तो आपको लगता है कि मनीष गुप्ता ने नहीं हत्या की है? विद्यासागर साहनी ने किया है। हाँ। अदालत साहनी उसके बाप का नाम है, उसने गलत फंसाया गया है, उसको वही किया है। प्रेमचंद है। कौन है प्रेमचंद? प्रेमचंद साहनी अंदर है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। उसको क्यों नहीं उठाया पुलिस ने? उसको
कौन बचा रहा है? उसको कोई नहीं मार रहा है, क्यों नहीं मारे आप लोग पूछे हैं? विद्यासागर साहनी कौन है? वो किडनैपर है, दो बार और कत्ल कर चुका है, ये तीसरा कत्ल है। हम शुरू से कह रहे हैं विद्यासागर का हाथ है, कोई नहीं मान रहा है। इतना बड़ा बच्ची का है का है, कोई जिन्हें से बयान देती है बच्ची का क्या मामला क्या है? मामला क्या है? हाँ, आप लड़के की माँ हैं? उसकी क्या है, क्या है माँ कहाँ लड़के की? आप कौन है? क्या हुआ है? विद्यासागर प्रेम और उसका क्या नाम है? और ये जो है क्या नाम, जो मनीष गुप्ता को पकड़ा है पुलिस ने, वो सही पकड़ा है? नहीं, झूठ है, वो गलत झूठ पकड़ा। क्यों? हाँ, उसकी बहन को ले गया, उसके पिता को मार को रख के उसको डरवा के उसे बुलवाया गया है। लेटर चेंज कर दिया गया है, जो पहले का लेटर था फिरौती का, वो लेटर बदल के उसका लेटर राइटिंग डालकर फिर सेंड किया गया है। अच्छा, उसको कुछ नहीं किया है, वो नहीं मारा। जिस दिन वो बच्चा मार के डाले सब इधर, उस दिन हमारे दिन हार हमारे घर में ही बैठा दिन रात हम लोग बच्चे की लाश कहाँ है? बच्चे की लाश जहाँ उसके दुकान के पीछे ही। तो विद्यासागर ने क्यों हत्या की? विद्यासागर धमकी दिया था, एक जगह से झगड़ा हुआ था, बोल रहा था हमारे पापा को कि तुम्हारा पूरा जर सोह लेंगे, जर उड़वा देंगे, जर खत्म कर देंगे। आज वो कर भी दिया, चार महीना पहले वो लेटर दिया था, मतलब मैसेज डाला था, धमकी दिया था कि तुम हमको 5,00,000 रुपया दोगे तो तुम्हारे दोनों बच्चों को गाइड करूंगा, मारूंगा। आज रियल किया है, पर ये भी नहीं पर ये बच्चा पहले रहा। जिस दिन बच्ची गायब हुई है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे वो उसका गाड़ी में चला गया।